नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष आप सभी को अपने चैनल इंटरनेशनल स्वाद पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नुआखाई है, यानी गणेश पूजा के अगले दिन को नुआखाई कहा जाता है। दोस्तों, ये वेस्टर्न उड़ीसा का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। दोस्तों, इस त्यौहार में किसान लोग अपने पहले जो क्रॉप होता है, अपना पहला जो क्रॉप होता है, उसको अपने इष्ट देवता और या फिर इष्ट देवी के पास ले जाते हैं। उसको उनके चरणों पर पहले समर्पण किया जाता है और उससे बना हुआ चूड़ा को प्रसाद के रूप में लगाया जाता है और सभी में बांट दिया जाता है। तो दोस्तों, आज नुआखाई है। नुआखाई का त्यौहार मनाने के बाद जुहार किया जाता है, जुहार यानी नमस्कार। तो दोस्तों, आप सभी को नुआखाई जुहार, क्योंकि हमने नुआखाई का जो त्यौहार है मना लिया है और नुआखाई का चूड़ा जो है हम खा चुके हैं। तो दोस्तों, कुछ क्लिप्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वो क्लिप। हमारे गांव में नुआखाई के दिन कास्ट फीलिंग ना करते हुए सभी एक साथ चर्च में नुआखाई का उत्सव पालन करते हैं। देखिए, सभी के हाथों में एक एक पत्ता है। इस पत्ते का नाम है कुरहे पोतर, ठीक है। पोतर यानी पत्ता, पत्ता को संबलपुरी में पोतर कहा जाता है और कुरहे पोतर में ही नुआ खाने का प्रथा यहाँ पर प्रचलित है। नुआ में खासकर नुआ चूड़ा ही खाया जाता है, उसमें कई सारी चीज़ें उसके साथ खाते हैं। दोस्तों, जो नया वाला चूड़ा होता है वो भेंट लगने के बाद उसका नाम नुआ हो जाता है। तो दोस्तों, नुआ चर्च में सभी खाते हैं और जो नुआ बचता है वो सभी के परिवारों में बांट दिया जाता है। तो दोस्तों, हमारे हिस्से में जो नुआ आया है उसको हम अपने घर में खा लेते हैं। तो दोस्तों, देखिए इस नुआ में क्या क्या डला हुआ है। तो दोस्तों, आज के नुआ में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया है, बस चूड़ा के अंदर दूध डला हुआ है, चीनी डला हुआ है, गुड़ डला हुआ है, सेव डला हुआ है और केला डला हुआ है। दोस्तों, हम लोग ज़्यादा कुछ अरेंज नहीं कर सके इस साल, नहीं तो अनार का भी इंतज़ाम कर लेते हैं, अंगूर का भी इंतज़ाम कर लेते हैं, काजू, किशमिश और खजूर का भी इंतज़ाम कर लेते हैं और कई सारे ड्राई फ्रूट यहाँ पर डाला जाता है। वैसे कुछ लोगों ने ऐसा किया भी होगा। वैसे मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नुआ के अंदर ये सब न डालने से भी नुआ खाया जा सकता है, ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं होता है। दोस्तों, हम लोग बरसों से चर्च में नुआ खाते आ रहे हैं और जो नुआ बचता है उसको घर लेकर आ जाते हैं और घर में सभी के साथ मिल बांट कर वही प्यार से खा लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे घर का एक छोटा सा क्लिप है। आप देख सकते हैं कि नुआ को कैसे घर में खाया जाता है। तो दोस्तों, हर साल हर घर में यही होता है, हमारे गांव में तो यही होता है।